नमस्कार सभी को, सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ एजुकेशन लवर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी, आपको सिलेक्शन की गारंटी हम देंगे। चलिए, तो हम लोगों ने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, मोशन के तीन पार्ट, चार पार्ट होते हैं टोटली, जो आपके सिलेबस में दिए हैं फिजिक्स के अंदर। मोशन के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा में गति। दूसरा पार्ट जो दिया है वो है मोशन्स लो, गति के नियम न्यूटन के जो थे। तीसरा जो टॉपिक दिया है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब प्रक्षेप पे गति। चौथा जो टॉपिक दिया है वो है सर्कुलर मोशन, वृत्त गति। चारों जो टॉपिक है, हम वीडियो जो आती जाएंगी वो हर टॉपिक की आती जाएंगी आपके पास। अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन फर्स्ट टॉपिक आपका चल रहा है, तो बहुत ही बेसिक से टॉपिक से ही मोशन के मैं बेसिक्स इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ सके, आप लोग जुड़ सके। और अभी क्या है, बच्चे कम है, स्टूडेंट कम है, धीरे धीरे चैनल का पता चलेगा तब अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। जो ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन जिनमें से पूछे जाते हैं वो भी आने वाले हैं। तो बच्चों को और जोड़िए, स्टूडेंट को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, सबको जोड़ते रहिए। हम लोगों ने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा में गति, एक तरह से मोशन की बात की थी, जिसके अंदर मैंने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी, ठीक है। आज उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, टॉपिक खत्म हो चुका है, मैंने सारे थ्योरेटिकल पार्ट आपको क्लियरली आपको करा दिया है। अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ में नहीं आया, मतलब देखा नहीं है आपने, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के अभी जो चैनल देख रहे हैं आप, वीडियो देख रहे हैं, इसके प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर मेरे नाम से, फिजिक्स के नाम से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, आराम से जानकारी जुटा सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और टॉप 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक टॉपिक को, ये बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है। मैं 10 क्वेश्चन बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो लॉजिक वाले भी हैं और करने में मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा। आप देखिए इन क्वेश्चंस को किस प्रकार कर सकते हैं, मैं इनकी एक्सप्लेनेशन सहित बताऊंगा आपको, व्याख्या करवाऊंगा एक तरह से बोर्ड पे, आपको इनका पूरी डिटेल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन करके। आप लोग अपना स्कोर देख सकते हैं इसके अंदर कैसे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन जब मैं लिख दूं आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद वीडियो को वापस स्टार्ट करिए, स्टार्ट करके देखिए कि इसका आंसर क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, और आपका सही हो गया तो आपको एक नंबर, मतलब 10 में से आपको नंबर बताने हैं कमेंट करके, कितने नंबर आपके हो गए हैं, कितना स्कोर आपका हुआ है। और आप नहीं करना चाहते तो सीधा कंटिन्यू रखिए वीडियो को, दिक्कत क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बिना कोई देरी के, क्योंकि 10 क्वेश्चन है और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। बाकी आप कमेंट करके मेरे को बता दीजिए कि किस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम है और आप किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं, और आपके जो भी डाउट्स है कमेंट्स करके, हम सारे कमेंट्स आपके रीड कर रहे हैं, सारे जो आपके जो भी आप प्रतिक्रियाएं देते हैं वो सारी की सारी हमारे पास हैं। तो अच्छी सी प्रतिक्रिया जो हमको लगेगी वीडियो के फर्स्ट में, आपको आपका नाम लेकर आपको जवाब देंगे कि आपने ये पूछा था और ये इसका आंसर है। अभी देखिए एक वीडियो थी उसके अंदर कमलकांत मिश्रा, इस नाम से कमेंट आई थी कि सर वॉइस क्लियर नहीं आई। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मेरे अंदर कमी निकाली, मतलब वीडियो के अंदर कमी निकाली, मेरे अंदर तो नहीं निकाली, उनका आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बाकी वॉइस में आपकी बहुत दिक्कत है, सुनाई कम दे रहा है, तो इस वजह से मैंने कुछ ना कुछ किए हैं, सॉल्यूशन निकाल आया उसका कि आपको वॉइस क्लियर आए। बाकी आप दोबारा कमेंट करके बता सकते हैं कमलकांत जी कि आपको वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरह से मैं आपको सारी कमेंट का जवाब देता रहूंगा, बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, डाउट क्या आप लोगों के, आपके लिए ही हम हैं, हम फालतू में नहीं पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, हम क्या मिलेगा, ठीक है, क्लियर है क्या। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक बार नजर डाल लीजिए फटाफट, आपको उसको करना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ के, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं, देखिए वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसका परिमाण देती है। दोबारा से, वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसका परिमाण देती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, बी दिया हुआ है वेग, वेलोसिटी, सी दिया हुआ है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, और डी मोमेंटम मतलब संवेग। क्लियर हो गया क्या। आप अगर स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यू करिए। देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे इसका। पहली बात तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि फिजिक्स के अंदर जो पेपर आएगा आपका एयरफोर्स का, 25 क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स और नेवी दोनों में, 25 क्वेश्चन आपको पूछेगा और टाइम कितना मिलेगा, ध्यान देने वाली बात है कि 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे,
ध्यान से देखिए, 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट भी आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको 25 के 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो 25वें क्वेश्चन तक आपको जाना है तो एक मिनट भी आपको, एक मिनट से ज्यादा आपको लेना नहीं है एक क्वेश्चन पे। बाकी आप अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो आपको उनका टाइम उसमें मिल जाएगा, एड हो जाएगा। तो ये बता दे रहा हूं, तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से इसको मतलब दो मिनट देने, नहीं आप छोड़ दीजिए, बाद में अगर टाइम मिले तो वापस देख लीजिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए कि वेग समय ग्राफ की क्रमता, देखिए बहुत ही सिंपल सा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि वेग और समय की बात कर रहा है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल। देखिए प्रवणता या ढाल, प्रवणता किस प्रकार निकालते हैं, दोनों की प्रवणता किस प्रकार निकलती है, दोनों का भाग दे देते हैं। आप लोग पढ़ के आए मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, फिजिक्स के अंदर भी प्रवणता होती है। मैथमेटिक्स के अंदर डीवाई को ढाल निकालते हैं ना अपन, सरल रेखा की या फिर किसी भी चीज की किसी समीकरण की, तो डीवाई अपॉन डीएक्स से डिफाइन करते हैं उसको, तो वाई अपॉन एक्स होता है मैन, मतलब वाई में एक्स का भाग, तो इसी प्रकार से वेग में समय का भाग इसी प्रकार तो निकलती है। जैसे ये ग्राफ हो गई, इसकी ढाल चाहिए अपन को, किसका परिमाण देती है, जैसे ये वेग हो गया, ये समय हो गया, मतलब इतने समय में इतना वेग हो रहा है, क्लियर है क्या, तो किसका परिमाण देगी, वेग अपॉन टाइम। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहता है, त्वरण कहलाता है। क्या इसका आंसर हो गया सी, त्वरण। क्लियर हो गया क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया त्वरण सी। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कई बार, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो कंपटीशन चल रहा है अपना, इस लेवल के क्वेश्चन आपको थोड़े कम पूछेगा, मतलब चांसेस कम है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आप लोग बेसिक से स्टार्ट कर सको, आप लोगों को समझ में, बहुत शानदार तरीके से सेशन होने वाला है, 10 की 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शानदार तरीके से आपका क्वेश्चन अगर आपने स्कोर किया है तो आंसर देख लीजिए सी इसका आंसर होगा, त्वरण कमेंट करके बता दीजिए आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है। मैं आपका अगर हाईएस्ट स्कोर आपका रहा इसके 10 में से 9 भी रहा तो नाम लेके आपका अनाउंसमेंट कर दूंगा अगली वीडियो में। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िएगा, पढ़कर सुना देता हूं। अपेक्षित वेग की इकाई क्या है, रिलेटिव जो वैल्यू सिटी है उसकी इकाई क्या है, इकाई का मतलब मात्रक पूछा आपसे, यूनिट पूछी है कि अपेक्षित वेग की इकाई क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन दे रखा आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन दे रखा आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगी वो देख लीजिए आप एक बार। देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लाया है क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं अपेक्षित वेग और केवल वेग में, रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी में, मतलब वेग की इकाई क्या होती है मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन आपको अपेक्षित वेग की पूछ ले तो क्या होती है। तो इस प्रकार के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन उठाया है। देखिए कोई भी कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, अपेक्षित वेग की बात कर रहा है यहाँ पर, मेन चीज है अपनी वेलोसिटी मतलब वेग, अपेक्षित वेग वही है, वेग का ही पार्ट है एक तरह से, जैसे अपेक्षित वेग एवरेज, एवरेज वेलोसिटी होगी, औसत वेग हो गया, तात्क्षणिक वेग हो गया, सबकी इकाई एक ही होती है मीटर पर सेकंड। ये कंफ्यूज आपको नहीं होना है, कंफ्यूजन आपके अंदर जीएन में नहीं होना चाहिए, इत्मीनान से क्वेश्चनों को करिए क्या होती है मीटर पर सेकंड। ओके क्लियर हो गया क्या, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन सॉरी गलती से लिख दिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कमेंट करके मेरे को बताइए, उस चीज का सोल्यूशन आपके लिए करूंगा। चलिए मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं शानदार तरीके से, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक वस्तु विराम अवस्था से एच ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है, मतलब कोई पिंड है विराम अवस्था से, मतलब एच ऊंचाई से, विस्थापन क्या एच है, एच ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है, पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी आपको ज्ञात करनी है, पूछिए डिवाइन करनी है। वापस रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, एक वस्तु विराम अवस्था से एच ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है, पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। ऑप्शन ए है जी एच, ऑप्शन बी है 2gh, ऑप्शन सी है √2gh, ऑप्शन डी है gh/2। क्लियर हो गया क्या, समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होता है, इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है, मैं थ्योरेटिकल पार्ट जब पढ़ा रहा था आपको सिखा रहा था लेक्चर 1 और 2 के अंदर, उसके अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया था, और वहां पर भी मैं आपको चेताया था, मुझे चेतावनी दी थी, आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, शायद कल की बात है, कल या परसों की बात है, ध्यान से आप थ्योरेटिकल पार्ट देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो। चलिए
ग्रामांतर से एच2 से पृथ्वी पर गिरती है, पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा, आंसर इसका क्या होगा। देखिए कौन सी गति हो रही, पहली बात तो ये बताइए आप कौन सी गति हो रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी गुरुत्व के अधीन गति टॉपिक पढ़ा था हमने, उसके अंदर देखिए वस्तु विराम अवस्था से ऊपर से गिराई जाती है। दो केस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, फर्स्ट केस में नीचे से फेंका था अपने मारकर फेंका था ऊपर याद है क्या, और सेकंड केस में ऊपर से गिराया था, दोनों के अंदर फॉर्मूले हमने ज्ञात किए थे पढ़े थे। तो देखिए एक वस्तु विराम अवस्था से एच2 से गिरती है, देखिए विराम अवस्था ऊपर से विराम अवस्था से गिराई जाती है। सबसे पहली बात तो विराम अवस्था में आपको बताया था विराम अवस्था में जब वस्तु रहती है ऊपर से गिरा जाए तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या, और वेग कुछ ना कुछ होगा। जब अंतिम वेग गिरेगी जब तो उसका पहुंचने पर उसका वेग, वही तो पूछा अंतिम वेग तो पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे अंतिम वेग तो पूछा है, बस निकाल लीजिए किससे निकलेगा ये, जो u और v हो केवल और h ऊंचाई हो जिसके अंदर, किसके अंदर आता है ये, गैलीलियो का थर्ड समीकरण होता है क्या, पढ़ा है क्या आपने क्या होता है वैसे, अगर सरल रेखीय गति की बात करें ये होता है क्या 2as, यहां पर क्या है v का स्क्वायर तो हम ज्ञात करना है, v तो ज्ञात करना है, u क्या है जीरो प्लस टू। अब देखिए a त्वरण है, यहां पर a इज इक्वल टू क्या रखेंगे, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो क्या होती है गुरुत्व के विपरीत गति होती है, गुरुत्व नीचे खींचता है पृथ्वी का वस्तु ऊपर जाती है, तो a बराबर माइनस जी रखते हैं, लेकिन हम ऊपर से फेंक रहे हैं जिधर गुरुत्व लग रहा है उधर ही वस्तु आ रही है तो प्लस जी रखेंगे, तो टू जी और एस क्या है पर विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है गुरुत्व के अधीन गति का, एच होता है कि नहीं होता बता दिया ना ऊंचाई होती है तो एच, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया टू जी एच, तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया रूट टू जी एच। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो गया इसका सी हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बिना कोई देरी किए, फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से निकाल ले एक बार, गति के समीकरणों को वैज्ञानिक खाली स्थान डैश ने दिया था, गति के समीकरणों को वैज्ञानिक डैश ने दिया था, ए न्यूटन बी केपलर सी पास्कल या फिर डी गैलीलियो, ए न्यूटन बी केपलर सी पास्कल डी गैलीलियो। चलिए इसका आंसर पता करते हैं जल्दी से, देखिए मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर आपको, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इसलिए लिखा है ताकि आपके लिए पीडीएफ पढ़ा जाए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गैलीलियो ना कि न्यूटन, कई लोग इन दो चीजों में ही कंफ्यूज रहते हैं, दोनों वैज्ञानिकों के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, समीकरण दिए थे गैलीलियो ने जबकि नियम दिए थे न्यूटन ने, अगर ऑप्शंस में ये दोनों है तो आपको करना है गैलीलियो, और जबकि एक दोनों में से एक है तो वो आंसर आपका होगा, जैसे गैलीलियो नहीं है न्यूटन होता वहां पर कोई और ऑप्शन था तो आंसर आपका न्यूटन कर देते, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जबकि गैलीलियो है तो गैलीलियो होगा, गैलीलियो नहीं है तो न्यूटन हो सकता है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन चार का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी गैलीलियो। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, रिपीट कर रहा हूं वापस, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, ए ऑप्शन हो गया वेग, बी ऑप्शन हो गया संवेग, सी ऑप्शन हो गया चार, डी ऑप्शन हो गया त्वरण। एक बात बताइए इसका आंसर देखिए बराबर उत्तर इसका क्या होगा जल्दी, किसी भी वस्तु की मोशन होती है कोई ना कोई स्पीड होती है, कोई ना कोई डिस्टेंस जरूर तय करती है वो वस्तु, अगर मोशन हो रही है तो देखिए स्पीड हमेशा चेंज होती है, बता दिया था आपको स्पीड चेंज होती रहती है तो उसे क्या कहते हैं वेग कह देते हैं, वेग में चेंज होता है तो क्या कह देते हैं त्वरण कह देते हैं, मतलब चाल में चेंज हो रहा है तो वेग कहते हैं, वेग में चेंज हो रहा है तो त्वरण कहते हैं, लेकिन त्वरण में कभी चेंज नहीं होता, त्वरण हमेशा समान रहता है, याद रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्वरण हमेशा समान रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी वो एक तो रख देता है, इसलिए मैं कोई नहीं बिगड़ेगा अपना 10 मिनट की वीडियो इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने में, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे आपके, तो डी ऑप्शन हो गया इसका आंसर हो गया त्वरण, त्वरण हमेशा समान रहता है जबकि संवेग का कोई इसमें चर्चा ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया त्वरण, एक्सीलरेशन हमेशा एक समान रहता है चाहे आप उसे सरल रेखा में गति करिए या फिर गुरुत्व के अधीन उसको फेंकिए कुछ भी करिए, क्लियर हो गया क्या, त्वरण हमेशा समान रहेगा जी या फिर ए हमेशा क्लियर है समान रहेगा। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शानदार तरीके से न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, पांच क्वेश्चन न्यूमेरिकल के, छठा क्वेश्चन फटाफट पढ़ लीजिए, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, इस कार का त्वरण क्या है, मतलब किसी कार की चाल 10 सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, इस कार का त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन हमको डिपेंड करना याद करना है,
ए ऑप्शन हो गया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो त्वरण की इकाई है मात्रक है। बी हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी हो गया 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी हो गया 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं देखिए, ध्यान से ध्यान दीजिए बोर्ड के ऊपर। एक बात बताइए, इसमें दिमाग लगाने वाली चीज, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने में घबराना नहीं है। देखिए अगर आप यहां पर जो ये दे रखी है आपको संख्याएं दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर जो वेग का वेलोसिटी का मान दे रखा है आपको, वैल्यू दे रखी है आपको, उस अगर इससे करेंगे आप सीधा 30 और 60 से, तो आपका आंसर गलत आएगा, इस ऑप्शन में आएगा नहीं। क्यों गलत आएगा, कई लोग समझ गए होंगे। देखिए यहां पर टाइम किसमें दिया है, सेकंड में, टाइम हमेशा सेकंड में देगा। किलोमीटर पर आवर यहां पर टाइम किसमें, आवर में। यहां पर ऑप्शंस में देखिए कि इसमें से एक ना एक आपका आंसर है, और आंसर किसमें दे रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है क्या, मीटर और सेकंड में दे रखा है क्या। तो हमें सिंपल से क्या करना है, किलोमीटर और आवर को मीटर और सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और किस प्रकार से चेंज करते हैं ध्यान दीजिए, सब कुछ बताने वाला हूं। देखिए किलोमीटर पर आवर किस प्रकार चेंज करते हैं, मीटर और सेकंड में। देखिए किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, सिंपल चेंज करते हैं यार। और आवर में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड की बात कर रहा हूं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 3600 सेकंड हो गए क्या, ये कट गया, 2 × 5 = 10 और 18, तो 5/18 से गुना कर दो, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा आपका। और यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उल्टा करके 18/5 से गुना कर देते हैं। ये बात आप समझ लो, और बहुत ही नॉर्मल चीज है, कई लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए तो चेंज कर दें। देखिए सबसे पहली बात तो हमें दिया क्या क्या है, टाइम दे रखा है क्या, हमें टाइम दे रखा है 10 सेकंड, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए किसी कार की चाल 10 सेकंड में 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, मतलब प्रारंभ में कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। इसको बदलिए 5/18 से गुना करके, तो क्या हो जाएगा, देखिए बदलिए, किससे भाग जा रहा है, 6 से जा रहेगा, 6 × 5 = 30, 6 × 18 25/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया, यह आपका प्रारंभिक वेग आ गया, ठीक है। अंतिम वेग मतलब कितना हो जाता है, लास्ट में जाके 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, ये भी किससे कटेगा, 10 और 3, तो 50/3 मीटर पर सेकंड। और यहां पर ए आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये तीनों चीजें कौन से समीकरण के अंदर आती हैं, गति का जो समीकरण गैलीलियो साहब ने दिए थे, वो किस समीकरण के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, चारों चीजें पहले समीकरण के अंदर आती है। देख लीजिए इस पोर्शन को आप देख लीजिए, मैं उधर करवाने वाला हूं। देख लीजिए फर्स्ट जो समीकरण होता है वो क्या होता है, वी बराबर यू प्लस एटी होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता। तो वी क्या दे रखा है यहां पर, 50/3, जल्दी से मान रख लीजिए। यू क्या दे रखा है, 25/3 प्लस ए अपन को ज्ञात करना है, इंटू टाइम कितना दे रखा है, 10। तो देखिए 25/3 को बदल लिया है, इज इक्वल टू 10 ए। तो यहां पर क्या बच जाएगा, क्या आ गया लघुत्तम 3, तो 50 − 25/3 × 10 ए, ठीक है। तो यहां पर क्या बच गया, 25/3 = 10 ए, ठीक है, 25/3 = 10 ए। तो ए का मान क्या आ जाएगा, 25/10 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/3, 5 × 25 = 30, 6 × 5 में भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर हो गया डी आपका। ध्यान से देख लीजिए, समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आ गया आपको, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताइए, वापस आपको प्रश्न नहीं समझा सकता हूं आपको मैं। तो डी आप इसका ऑप्शन हो गया आंसर, 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। लॉजिक वाला, लॉजिक तो क्या है, वही है गति के समीकरण में फर्स्ट में रख दीजिए, आप उठ कर दीजिए जो वैल्यू आपको दे रखी है आपका आंसर आ जाएगा। तीन चीजें दे रखी है, चीज निकालना, कोई लॉजिक तो है नहीं इसमें, और बहुत शानदार चीज है। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए सातवां क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। एक धावक, मतलब धावक का मतलब है रेसर, जो रेसिंग करते हैं वो धावक, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। कोई भी वृत्तीय पथ मतलब राउंड में वो दौड़ता है
आर त्रिज्या उसकी दे रखी है, त्रिज्या हमको आर दे रखी है, 40 सेकंड में पूरा करता है, 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन क्या होगा? ऑप्शन ए 2R, ऑप्शन बी 2πr, ऑप्शन सी πr, ऑप्शन डी 0, मतलब जीरो। एक बार वापस पढ़ के सुना देता हूँ। एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन क्या होगा? 2R, 2πr, πr या 0? एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी, आंसर इसका क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो वृत्तीय पथ बना लो आर त्रिज्या का, देखिए इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, मैं आर दे रखी है, मतलब सेंटर पॉइंट में ये दूरी कितनी है, आर है। ये क्लियर होगी क्या? मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी धावक है, यहां से स्टार्ट करता है, ये पॉइंट मान लीजिए आप। विस्थापन आप आसानी से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट आप आसानी से समझते हैं कि क्या होता है। देखिए ये क्या है, पॉइंट हो गया, यहां से स्टार्ट करता है आर त्रिज्या के वृत्त पर दौड़ना और 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब ये दौड़ के जाता है यहां से ऐसे गया और 40 सेकंड बाद यहीं पे आ गया, ठीक है, मतलब 40 सेकंड में एक चक्कर वो अपना पूरा कर दिया, क्लियर है क्या? तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। सबसे पहले तो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, मतलब एक चक्कर पूरा करेगा यहां से जाके वापस यहीं पे आके रुक गया, तो उस दो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, यही होता है डिस्प्लेसमेंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो यहीं से उठा और एक चक्कर 40 सेकंड में आके यहीं पे रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहां पर जीरो हो गया। एक चक्कर करने पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद क्या होगा, तो सबसे पहले 2 मिनट में कितने सेकंड होती हैं, 120 सेकंड होती हैं प्लस 20, तो 140 सेकंड में, ठीक है, 140 सेकंड में। अब 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो 140 में 40 का भाग दे दीजिए, बताइए कितने बचेंगे, तो 40 या 120 प्लस 20 सेकंड और बच जाएंगे, ठीक है, तो तीन चक्कर तो पूरा करेगा, तो एक चक्कर करा उसने जीरो विस्थापन, वापस दूसरा चक्कर करा विस्थापन जीरो, तीसरा चक्कर उसने काटा तो क्या हो गया, विस्थापन जीरो, मतलब तीन चक्कर बाद भी उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन बाद में फिर उसने 20 सेकंड ही वो दौड़ा, मतलब 40 सेकंड में पूरा चक्कर करता है तो 20 सेकंड में आधे करेगा वो यहीं पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा 20 सेकंड में, तीन चक्कर में तो जीरो हो गया, मतलब 2 मिनट में तो इसका जीरो हो गया, बाकी बचे 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में उसका कितना हो जाएगा, आधा चक्कर, मतलब यहां से लेके यहां पहुंचा, तो यही तो दूरी है विस्थापन, यही तो दूरी है विस्थापन। अब बताइए किसी वृत्त का ये क्या हो गया, व्यास हो गया क्या, ये त्रिज्या है और हमको व्यास का पता करना है, तो त्रिज्या का दोगुना होता है क्या, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है क्या, तो त्रिज्या आर है तो व्यास क्या हो जाएगा, 2R, तो यही तो इसका विस्थापन हो गया, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, जानते हो क्या वृत्त में, ठीक है, तो ये हमको ये ज्ञात करनी है केवल, या फिर यहां से इन बिंदु को उठा लीजिए, तो आर प्लस आर ऐसे कर लीजिए, आंसर कुल मिला के आपको हो जाएगा 2R, क्लियर है क्या, समझ में आ गया क्या, व्यास उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए, सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, 2R। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, तीन क्वेश्चन और बच रहे हैं वो कर लेते हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर पर आवर की चाल, 50 किलोमीटर सॉरी, एक शिक्षक अपने घर से विद्यालय 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और विद्यालय से घर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में शिक्षक की औसत चाल क्या होगी। ए ऑप्शन दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन है आपका 35 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन दे रखा है आपका 30 किलोमीटर पर आवर और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिमाग लगाइए, मैंने आपको पहले बताया था औसत चाल के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो दो फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, दो कंडीशन लिखाई थी एवरेज स्पीड की। देखिए यहां पर क्या है, घर से विद्यालय जाता है और फिर विद्यालय से घर आ रहा है, मतलब डिस्टेंस एक ही है, मेन जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो एक ही है, घर से विद्यालय, विद्यालय से घर, उसी रास्ते से आता है, लेकिन क्या स्पीड अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था क्या, एवरेज स्पीड का 2v1v2/v1+v2 पढ़ा था क्या, तो बस इसमें मान रख दीजिए v1 क्या है 50 किलोमीटर पर आवर और v2 क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दे रखी है, चाल दे रखी है, आंसर भी तो किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, तो उस चीज के कंफ्यूजन में मत रह जाना कि हमें चेंज करना है नहीं करना, ठीक है, तो सीधा मान रखिए आंसर आपका जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इतना बड़ा देखिए आंसर, फिर इसमें मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो 2×50 इंटू क्या है दूसरी चाल 20/50+20, तो क्या आ जाएगा 5×2 10×20
2070, ये क्या जाएगा 200 में 7 का भाग दीजिए क्या आ जाएगा, 7 × 14 6 बच गया, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ आंसर आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मतलब 35 पूरा पूरा भाग तो जाएगा ही नहीं 7 में 200 का, तो सीधा सा आप आंसर दिमाग लगा लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप वहां पर भी इस तरह का इसी तरह का टाइम आपको निकालना है कि 200 × 7 है, 7 का 200 में भाग पूरा पूरा जाए नहीं तो पूरा पूरा आंसर आपको पूर्णांक तो आंसर आपका हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पॉइंटर में आंसर आएगा और 200 × 7 इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्या, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकता है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ नवा क्वेश्चन और फिर करेंगे लास्ट एक अपेक्षित वेग वाला क्वेश्चन जो आपको वादा किया था कैसा क्वेश्चन करके बताऊंगा। चलिए नवा क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक कार अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है और अगले आधे समय 60 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, ऑप्शन ए 30 मीटर पर सेकंड, बी 40 मीटर पर सेकंड, सी 30 सही 2/3 मीटर पर सेकंड, मतलब 92/3 मीटर पर सेकंड, डी 45 मीटर पर सेकंड 45 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ गया आपको, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिए। औसत चाल का दूसरा फॉर्मूला मतलब यहाँ पर क्या है, दूरी अलग अलग है, मतलब टाइम अलग अलग हो रहा है, इतने टाइम में आप इतनी दूरी तय कर रहे हो तथा शेष बची हुई दूरी इतने टाइम में आप तय कर रहे हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है V1 + V2/2। क्लियर है क्या, तो V1 क्या हो गया यहाँ पर 20 है और V2 क्या हो गया यहाँ पर 60 है और / 2, तो 60 + 20 क्या हो गया 80/2, तो क्या आ गया आपका 40। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना बड़ा है देखिए लिखने में और इसका आंसर देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आएगा स्पीड का औसत चाल का। क्लियर आ गया, तो इसका आंसर आ गया बी। ओके समझ में आ गया, चलिए लास्ट क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अपेक्षित वेग का रिलेटिव वेलोसिटी का। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, मतलब दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ की दूरी कितनी देर की है 250 किलोमीटर है, एक व्यक्ति चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रस्थान करता है, मतलब चंडीगढ़ से चलता है दिल्ली के लिए 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ठीक उसी टाइम पे एक व्यक्ति दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए चलता है, वो उधर से चलता है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रस्थान करता है, तो दोनों एक दूसरे से कितने घंटे बाद मिलेंगे, दोनों कितने आवर बाद इस एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन 1 आवर, सेकंड ऑप्शन 2 आवर, थर्ड ऑप्शन 3 आवर और डी ऑप्शन 2.5 आवर, मतलब 2.5 आवर बाद मिलेंगे। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार होगा, इसका आंसर किस प्रकार होगा। चलिए देखिए अपेक्षित वेग का ये क्वेश्चन है, तो इसमें पहला वेग सबसे पहले तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 250 किलोमीटर, हमको पूछा क्या टाइम पूछा है कितने घंटे, क्या पूछा है टाइम पूछा है, ना कि अपेक्षित वेग पूछा, फिर भी इसमें अपेक्षित वेग दिया है तो उससे चाल तो हम लोग निकालेंगे, वेग तो निकालेंगे। तो देखिए बी ए क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट वेग क्या दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर, अब बी क्या दे रखा है सेकंड जो दूसरे व्यक्ति का वेग क्या दे रखा है, दिमाग लगाने वाले चीज इसको प्लस का नहीं लेना माइनस का लेना, क्योंकि विपरीत चल रहा है, इस प्रकार से हम जी को माइनस में लेते हैं, उसमें नीचे से फेंकते विपरीत कार्य कर रहा है, ये विपरीत चल रहा है, तो −45 किलोमीटर पर आवर इसको माइनस में लेना है, याद रखना हमेशा, इसलिए ही मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ताकि आप लोगों को आगे क्वेश्चंस करने में कोई कंफ्यूजन ना हो, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आता है तो पेपर में पूछ सकता है, वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर है। चलिए तो निकाल लीजिए बस, क्या होता है अपेक्षित VAB = VA − VB, यही होता है क्या, तो VA क्या क्या है यहाँ पर 80 − −45, तो 80 + 45 = 125 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया इसका वेग हो गया अपेक्षित वेग। हमें चाहिए टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिए, वेग है चाल है, वेग चाल एक ही बात है, ये चाल ही तो है, अपेक्षित वेग और चाल एक ही बात है, फर्क होता है डायरेक्शन का। क्लियर है क्या, तो टाइम क्या होता है, देखिए दूरी क्या होती है, कुछ सब कुछ भूल गए, देखिए टाइम क्या होता है, ये होता है क्या, चाल क्या होती है दूरी बटा समय, तो टाइम को दलिए ये बजुना करके दूरी बटा चाल, बहुत इजी सा है, तो दूरी कितनी दे रखी है 250 किलोमीटर पहले ही पता है हमको, तो 250 और चाल क्या है अभी दोनों की मिला के 125,
डिवाइड करेंगे 2 आवर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके 10 क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने हर टॉपिक, मतलब जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया, हर टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया मैंने। अब आपका स्कोर बता दीजिए, आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए। अगर आपने स्कोर वाले जो मैंने बताया था स्कोर कर सकते हैं वो किया है, तो आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं कि आपके 10 में से कितने नंबर आए। मैं आपका अगले वीडियो में नाम लेकर आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा कि इस बंदे के सबसे हाईएस्ट नंबर आए, इस बंदे ने बहुत अच्छा किया, स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया। तो 10 क्वेश्चन हो गए। अगला जो टॉपिक आने वाला है वो होगा मोशन स्लो गति के नियम, सेकंड मोशन का टॉपिक जो है आपका सिलेबस के अंदर। फिर आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और मोशन वाला सेशन आपका खत्म। तो ये बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है फिजिक्स के अंदर, बहुत ही बेसिक से टॉपिक चल रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप ऐसे क्वेश्चंस और निकालिए, ढूंढिए नेट से कैसे ढूंढ सकते हैं, सॉल्व करते रहिए। तो हैव अ गुड डे, आपका दिन मंगलमय हो। चलिए।